तो देखिए दोस्तों, मैंने सभी आम्बों को धो दिया है। इसके बाद जो इसे मैंने कटिंग करना शुरू कर दिया है, तो अब मैं इस सभी को काट करके पीस में, छोटे छोटे पीस में बना लूंगी। ये मेरा पीस पे बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए, इस तरह का पीस मैंने बनाना शुरू कर दिया है। ये रहा छोटे छोटे पीस में, इसी टाइप का बनाऊंगी अचार। तो देखिए दोस्तों, मैंने आम धोकर रेडी कर लिया है। इसके बाद मैं इसे काटूंगी। मेरा जो है ये काटने वाला सही सामान नहीं है, मतलब जो कटिंग करने के लिए मिलती है, मिलती से करना पड़ेगा और कटने में बड़ी परेशानी हो रही है। देखिए पहले तो क्या करेंगे, पहले इसका एक काला वाला है, इसको काट के हटा लेंगे। काटने के बाद इसको हम इस तरह से एक साइड से काट के, बीच में भी किसी में भी चीर होता है जो है वो पका हुआ किसी होता है, नॉर्मल आटी होता है, वो काट के छोटे छोटे पीस में काट के इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। पहले से धूप में थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा, इसी तरह से काटेंगे, छोटे छोटे पीस बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे जो दिखाते हैं वो उनको ज़्यादा और अच्छा मन नहीं करता तो फेंक देते हैं, छोटा पीस दिखाने में अच्छा रहेगा। इसी तरह से काटेंगे, पीस में निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरा आम का कटिंग हो गया है और मैंने इसे दो कठोर जो आम है काट के पीछे में रख दिया है बाहर में धूप में सूखने के लिए, क्योंकि आम को अचार बनाने से पहले उसको आम को अच्छी तरह से टिकला को धोया जाता है। धोने के बाद उसको अच्छी से कटाई की जाती है, मतलब छोटे छोटे पीसों मैंने काट लिया है। काटने के बाद इसे जो है थोड़ी देर के लिए, मतलब एक दिन या आप जो भी 6 मिनट 6 घंटा या आधा घंटा 10 मिनट जिस तरह वधू को उस तरह से आप उसमें चाकर आम का अचार को इसमें नमक हल्दी मिलाना पड़ता है, इसलिए मैंने सूखने के लिए दे दिया। ये चाचा इसको भी काट दी मैं। ये देखिए अब इसका कटिंग इतना कट गया, मेरा आम पूरा कट के जो हो जाएगा। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे आम की कटाई कैसे करें, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके, जिससे मैं कुछ इनकम कमा सकूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे, धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आम को काट कर सुखा लिया, इसके बाद इसमें हम हल्दी पुड़िया डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा है नमक, नमक भी इसमें डाल देंगे इसी तरह से, क्योंकि नमक कम डालने के बाद जो है आम खराब होने का ज़्यादा चांस रहता है अचार, इसलिए इसमें नमक इसकी मात्रा जो है ज़्यादा देंगे, जिससे हमारा अचार खराब ना हो। इसमें नमक की मात्रा भी ज़्यादा देंगे जिससे ये हमारा खराब ना होगा। इसे रात भर के लिए गीला होने देंगे। ये सुबह हम इसको फिर से धूप लगा करके इसे सुखा कर इसमें तब हम सभी मसाला इसमें मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हम डिब्बा में डाल देते हैं, जिससे हमारे ये इसका नमक इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आलू का चोखा बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने थोड़ी पका लिया। इसके बाद मिर्ची में पका हुआ है, अब इसका हम चटनी बनाएंगे। ये देखिए मैंने प्याज ले लिया, इसको प्याज को पहले कटिंग करेंगे। प्याज कटने के बाद आलू को छील कर इसमें तब इसका चोखा बनेगा। तो देखिए मैं दोस्तों, मैंने ये जो आलू छील लिया, इसके बाद ये मेरा प्याज कटा हुआ है। इसके बाद हम अच्छी तरह से उसको हाथों से फोड़ लेंगे। फोड़ने के बाद है इसको जो है प्याज को हम अच्छी तरह से सूखी मिर्ची को नमक दे करके अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। स्वाद के अनुसार नमक देंगे, तो स्वाद के अनुसार नमक मैंने ले लिया है। आप चाहे तो फीका या कम भी फीका या कम खा सकते हैं, या कड़गड़ भी खा सकते हैं। तो इस तरह से हम छोटे से टुकड़े कर लेंगे। ये हो गया हमारा मिर्चा टूट गया। इसके बाद हम इसको इस तरह से आलू को फोड़ लेंगे अपने हाथों की सहायता से। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा आलू का चोखा बनके रेडी हो चुका है। अगर मेरा आप लोग आप सबको अच्छा लगे, आप देख रहे हैं रिंकू ब्लॉग यूट्यूब। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।
दोस्तों, मेरा अचार बनाने के लिए अब ये रेडी हो चुका है कि मेरा सूख के मैंने इसको सुखा दिए हैं। सुखाने के बाद इसको हम मैं जो है मसाला अभी सब तेल मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए दे दिया है। कम ये लगभग मैं 300-700 ग्राम के आसपास में ये तेल है। उसके बाद हम ये सभी मिर्चे का है मसाला, ये सभी मसाला इसमें अचार के में डाल देंगे। हो गया हमारा जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, अब सभी हम इसमें डाल के गरम कर इसके बाद सभी को हम मिक्स कर देंगे। अभी से हम ये पकने देते हैं, पहले थोड़ी पका हुआ है। पकने के बाद हम इसमें सब कुछ मिक्स कर देंगे। पक रहा है ये बड़ी जीरा जो है पक के रेडी हो चुका है। इसके बाद हम ये सभी इसमें डाल देंगे जिससे हमारा अचार का स्वाद अच्छा होगा, कभी अचार खराब भी नहीं होगा। इसलिए अभी सभी को हम इसमें डाल देते हैं। ये हमारा धनिया का पॉकेट हो गया, ये हमारा गरम मसाला है, इसके बाद ये हमारा मिर्च पाउडर, ये तो हमें करूँ नहीं कर मतलब कर नहीं करना है, जो बच्चे भी आसानी से इसे खा सके। अब स्वाद के अनुसार कितना अचार है इसके हिसाब से हमको नमक डालना पड़ेगा। तो हमने अच्छा नमक ले लिए, इसको हम इसमें डाल देते हैं। नमक का मात्रा ज़्यादा रहना चाहिए अचार में, नहीं तो अचार खराब हो सकता है। इसलिए हम इसको देकर इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। या तोरी पाउडर, क्योंकि हम इसे हम हाथ से पीसे हैं उखरी की सहायता से। देखिए मेरा बुके रेडी हो चुका है, इसको भी इसी में दाग के मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम इसे अचार को डाल देते हैं। धीरे धीरे सभी को देकर के इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, जिससे हमारा अचार खराब नहीं होगा। इसे हम सालों साल तक इसे रख सकते हैं आसानी से, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा अचार ये बनके मिक्स हो रहा है, दिखने में भी टेस्टी लग रहा है। इसे ये जो है सब अचार मेरा बन के रेडी हो चुका है। अगर मेरा आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं रिंकू ब्लॉग। तो देखिए दोस्तों, मेरा अचार बन के रेडी हो गया है। तो ये लाइफ में मैं फर्स्ट बार ये अचार बना रही हूँ। अभी देखिए इसका कलर भी अच्छा हो रहा है। इसको अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे, तो इसमें डिब्बे में इसे डाल दूंगी। इसका जो है इसे नमक का स्वाद भी टेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि अचार खराब ना हो। क्योंकि अचार में जब नमक का मात्रा सही रहता है तो अचार खराब नहीं हो पाता है, अचार अच्छा लगता है खाने में और अचार खराब भी नहीं हो पाते हैं। तो मेरा अचार बन के रेडी हो गया है, तो उसका हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे जो अचार किस तरह से लगता है। अचार का स्वाद अच्छा है और नमक भी तेज है। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप देख रहे हैं रिंकू ब्लॉग, अचार कैसे बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा अचार बन के रेडी हो गया है और इसका कलर तो ज़्यादा ही अच्छा है, तो खाने का स्वाद भी अच्छा होगा। खटके की और थोड़ी दिन के बाद ये फ्रेश होगा, खाने का स्वाद बनेगा ऐसा, क्योंकि अभी कच्चा है। नमक डालने के बाद पूरी तरह से गल जाता है। ये देखिए मैंने 1 पौन 10 किलो अचार है, लगभग 2 किलो तो कच्चे इधर उधर खा गए से बच्चे, लेकिन ये 8 किलो आम का अचार है, 1 बाम हुआ है 5 लीटर वाले डिब्बे से। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो देखिए ये बचा हुआ है पानी, तो लाइक शेयर करें जिससे मेरा वीडियो और चले, जिससे मैं वीडियो मोनेटाइज उसके मैं कुछ इनकम कर सकूँ। ये देखिए हो गया मेरा अच्छा रेसिपी।
आम का सीजन है तो आम का अचार तो बनता ही है, अब बनना भी चाहिए। ये देखिए अब इसमें हम कटे हुए कटहल का भी इसमें डाल देंगे, जिससे कटहल का अचार, कटहल का नहीं वो बरहर कहते हैं उसको, उसका अचार बनेगा। इसको अच्छे तरह से उस कटे हुए को मिक्स कर दें, मिक्स करने के बाद ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा आम का अचार बनाने का ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक का शेयर करें। ये दोस्तों मेरा आम का अचार बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए ये एक हुआ आम का अचार हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है आम का अचार, ये बन गया है मेरा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक का शेयर कर दिया, देर दिन को ब्लॉग इसे हम लगभग 15 दिन के बाद खोल के देखेंगे, जो इससे पक्के रेडी हो चुका है, उसे खाने का स्वाद भी और टेस्टी होगा। और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर करें, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके, मैं कुछ कर सकूं। धन्यवाद जय हिंद, वंदे मातरम, आप देख रहे हैं रिंकू ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रिंकू ब्लॉग। आज के इस वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रही हूँ, यह है हमारा बड़हर, इसे हम पका कर भी खा सकते हैं, इसका अचार भी बनाया जा सकता है। देखिए देखने में किस टाइप का लगता है। अगर आप सभी को पता हो ये क्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं इसका क्या नाम है। ये बिहार में पाया जाता है। ये देखिए काटने के बाद इसमें से जो है सो दूध निकलता है। ये देखिए अगर मेरा आप लोग का आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें रिंकू ब्लॉग, ऐसे ऐसे वीडियो देखने के मेरे चैनल पर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आपको मैं स्पेशली चीज दिखाने जा रही है, ये देखिए इसका नाम क्या है आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मुझे पता लगे कि आप कहाँ से हैं और इसके बारे में आप क्या जानते हैं। अगर मेरे वीडियो का आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें रिंकू ब्लॉग। तो देखिए हम कटहल का अचार बनाने के लिए कटहल को पहले हम कटिंग कर लेंगे। ये कटहल है, बरहर का अचार बनाने के लिए पहले बरहर का हम कटिंग कर लेंगे। कटने के बाद इसको जो है पीस के हिसाब से कट कर देंगे। कट के देखिए ये है कि अंदर से इस टाइप का दिखता है। ये हमारा हो गया कटहल, इसका साइज देखिए अंदर में किस टाइप का होता है, मतलब ये पका कर भी हम खा सकते हैं, लेकिन हमें कच्चा है अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है। ये सब बिच्ची है, देखिए बिच्ची निकल जाता है इसमें से। इसको हम पीस के हिसाब से काट लेंगे, मैंने से देखिए इसे कटिंग कर लेंगे। सभी को पीस के हिसाब से कट कर लेंगे। कट करने के बाद है इसमें इसे धूप में कुछ देर के लिए हमें इसे सुखाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया, ये कटहल कट के रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम सभी को काट लेंगे। छोटे छोटे पीस में से निकाल देंगे। ये हमारा हो गया कट। इसी तरह से सभी को काट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बरहर को सुखा लिया, सुखाने बस छिलका निकाल दिया है। जो इस तरह से छिलका भरा हुआ था उसको हम अच्छी तरह से आप चाकू को नोक से निकाल सकते हैं। आइए ये छलनी है, छलने के नोक से भी इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सभी का नोक से जो इसका बिच्ची निकाल दिया है। ये मेरा बिच्ची देखिए किस तरह के बाहर निकला हुआ है। इसे सबको निकाल करके अब हम ये मसाला जो तैयार किया हुआ था आम वाला, उसी में हम इसको डाल देंगे। ये देखिए मसाला है, इसी में हम इसको मिक्स कर देते हैं। उठा लिए, उठाने के बाद इस पर अच्छी तरह से मसाले को अचार में मिक्स कर देंगे। अचार के मसाले में
अच्छा तो ज्यादा अच्छा आ रहा है। ये भी आम की तरह खटाई होता है इसका स्वाद भी। मिक्स हो गया है। इसको हम दीवान पैक करके किंडर कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रिंकू ब्लॉग यूट्यूब। तो आज जो मैं स्पेशली है, जो देखिए मेरा गांव भेजना है मुझे, मतलब ये जो है नींबू है, नींबू और आम, क्योंकि मेरी माँ ने जो भेजा है, देखिए ये बोरा जो है सो आम का ही बोरा है, ये बोरा है, इस बोरा में से मैंने आम निकाला है अपने सासू माँ को भेजने के लिए। ये देखिए मैंने आम इसमें पैक कर दिए हैं। पैक करने के बाद इसमें मैंने सोचा था थोड़ा सा नींबू भी डाल देती, क्योंकि नींबू का पेड़ मैंने लगाया हुआ है घर पर ही, तो मेरा नींबू का पेड़ बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद मेरा जो है फड़ा हुआ है, मैंने सोचा इसको अपनी सासू माँ को भेज देती हूँ। आपको मैं दिखा दूँ कितना मैंने आम इसमें डाला है, लगभग चटनी के हिसाब से मैंने दे जितना वो चटनी मिला के खा सके। ये देखिए यह आम है, ये आम हो गया। इसके बाद मैंने अपने अपने घर पर जो है नींबू का पेड़ लगाया हुआ है, तो इसलिए मैंने नींबू का पेड़ लगाने वाले में मतलब नींबू देखिए इतना बड़ा बड़ा नींबू है, ये पक्के और इतना बड़ा होगा, लेकिन अभी ये पका हुआ इतना ही है। मतलब ज्यादा रस इसमें है नहीं, हल्का फुल्का रस है, जिससे हम चाय में ये नींबू खा के, गर्मी के मौसम ज्यादा हो रहा है तो हमें तो स्पेशली चाहिए कुछ जो पानी पिए, चीनी नमक पीते रहना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जिससे हमें बीपी हो लो या बीपी हाई ना हो और हमारी तबीयत खराब ना हो। इसलिए मैं सोच रही हूँ अपनी सास को ये नींबू भी भेज दूँ। इसलिए मैंने 5-7 नींबू तोड़े अपने पेड़ में से, मेरे घर आंगन में ही नींबू का पेड़ लगाया हुआ है। ये देखिए ये सारा मेरा नींबू हो गया, तो मैं सोच रही हूँ सभी भेज दूँ, आराम से मेरी सास आराम से चाय पिए और नींबू का सब भी बना पिए। और आगे देखने के लिए मैं चलो बने रहे, आप देख रहे हैं यूट्यूब। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रिंकू ब्लॉग। तो इसमें मैं आज जो स्पेशली देखिए ये मैं लाई हूँ स्टेन, जिसमें ये स्टेन आप नॉर्मल जिस साइड से चाहे उस साइड से आप कर सकते हैं। देखिए सिंपल खड़ा भी था, इसको मेरे हस्बैंड ने टेढ़ कर करके इसको पूरा टेढ़ा कर दिया है, लेकिन ये पूरा सीधा था, आप जिस तरह से चाहे उस तरह से आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद ये हो गया हमारा, इसमें है जो हम कैमरा, जिसमें जो हम लैपटॉप मोबाइल लगा सकते हैं, इसको इस तरह से इसमें ये वाला है लगाने वाला सिस्टम लगा हुआ है, इसको आप इसमें डालकर इसे घुमा सकते हैं, घुमाकर इसमें आप इसमें लगा करके आप इसमें मोबाइल को लगा करके आप बड़ा लंबा या छोटा टाइप जिस साइज में चाहे उस टाइप से आप बना सकते हैं वीडियो। इसके बाद ये हमारा है स्टैंड के साइड करने वाला, आप चाहे तो इसको सीधा नॉर्मल भी कर सकते, इसे इस तरह हल्का घुमा देंगे तो ये इस साइड से नहीं होगा, बस इतना ही वर्क हो रह जाएगा। इसके बाद ये हमारा हो गया स्टैंड, इसको आप जितना चाहे इतना बड़ा छोटा लंबा कर सकते हैं, लूज टाइट भी कर सकते हैं। ये हमारा स्टैंड रेडी हो चुका है, हम लाए हैं अपने यूज करने के लिए घर पे, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड नहीं था, जिससे मुझे वीडियो बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी और मुझे ज्यादा कुछ यूज करना नहीं आता, क्योंकि मैंने कुछ खास, क्योंकि मैं ऊपर में रख के ड्राइंग बनाती थी, लेकिन अब 2 साल से लैपटॉप डायरेक्ट जो है मैं ब्लॉग बना रही हूँ, जिससे मेरा ब्लॉग अभी तक कोई मोनेटाइज नहीं हो पाया है। मैं लगभग मैं 4 साल इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, यूट्यूब का यूज इस्तेमाल कर रही हूँ, लॉकडाउन 2024 आज है, लेकिन अभी हम जो है 2020 से इस का उपयोग कर रहे हैं। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे, आप लाइक शेयर करके आप देख रहे हैं यूट्यूब। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रिंकू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग में मैं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, मैं आज के ब्लॉग में आपको ये जो है पापड़ है, इसका पैकेट अलग से लेगा, ग्लूटीन जो खरीद के लाना पड़ा, सुबह दी तिलोड़ी जो है अभी अलग से खरीद के ला सकते हैं। फिर लाने के बाद जिसको मतलब जो भी लगभग 1 रुपये पीस पड़ता है, इसके बाद ये जो है हमारे 45 रुपये किलो के आसपास में हमको पकड़ा जाता है, तो इसे हम मैं पैक करके 100-100 ग्राम के पैक करके इसको मैं अपने दुकान में स्टोर करती हूँ, जिससे मेरे ग्राहक जो आते हैं उसे खुशी से खरीद कर ले जाते हैं। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब आप ब्लॉग, इसलिए मैंने आज ने चना का पैकिंग किया है, इसके बाद में तिलोड़ी का भी पैकिंग कर दी है, जिससे मेरे ग्राहक आए और खुशी से लेकर भेजें। ये आप जो है अपने घर बैठे पैकिंग करके अपना काम शुरू कर सकते हैं।
तो इसलिए देखिए इस तरह से मोमबत्ती मैंने जला ली है, इसको हल्का इस पर देंगे तव पर, जिससे ये हमारा रेसा आ जाएगा। आप चाहे तो इसका मशीन भी ले सकते हैं रेसने वाला। देखिए एक ग्राम के रेसा आ गया है, रेस हो चुका है। ये 225 होता है 100 ग्राम, ये टी मात्र 100 ग्राम होता है 225। मार्केट में भी मिलता है ये, लेकिन हम घर पर पैक कर रहे हैं, जो मार्केट से खरीद लाए हैं सभी खुला पैकेट। आज को हम पैकिंग करें, पैकिंग करने के बाद ये 225 को से ग्राहक लेके जाता है। देखिए ये हो गया हमारा, ये तिलोरी पैकेट कर दिया था। इसके बाद ये हमारा है चना का पैकेट, चना का पैकेट में से क्लियर कर रही हूँ। ये मैंने 100 रुपये का वेट करे, इसका 15-20 होगा और 100 ग्राम उसका वजन है। इस तरह से इसको पैक कर देंगे, इस तरह से रेस देंगे। हमारा ऐसा गया, ये देखिए हो गया 15 रुपये का पीस के हिसाब से, ये बिकेगा। थोड़ा सा हम सभी को रेस लेंगे, ये खुलेगा नहीं जब तक खोलेंगे, क्योंकि पूरा पैकिंग से रेसा हुआ है। इसी तरह से हम सभी पैकेट को रेस लेंगे। मैंने आपको पिछला ब्लॉग में आपको मैंने मोमबत्ती अगरबत्ती बतीहर बनाने का ब्लॉग बनाया था, जिसमें से मैं उस खुद बनाकर खुद बेचती हूँ। अच्छा है, दूसरा भी कोई ले जा सकता है। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप चाहे उसे फ़ोन करके आप भी घर पर बैठे मंगवा सकते हैं। ये देखिए मेरा जैसा कि रेडी हो चुका है, मैंने 4 पैकिंग किए हैं इसका पैकेट, इसके थोड़ा मेरा ये बन के रहे। ये होगा मेरा 10 किलो का पैकेट, 10 रुपये 30। इसका है वेट, ये भी 100 ग्राम है। इसका जो है सो इसका माफी 15 रुपये, 15-20 रुपये आप दे सकते हैं, पूरा भरा भरा हुआ है। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो शुक्रिया, आप भी ब्लॉग यूज हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिंकू। आज मैं लाई हूँ प्याज का बोरा, रात में लाए थे इसके पापा भी सीखे, तो हम सोच रहे थे कि मतलब मेरा जो थोड़ा सा किराना स्टोर का दुकान है, तो प्याज हम खरीद के लाए हैं, तो प्याज सड़ा हुआ है या अच्छा है तो हम चेक कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए अभी रात दोपहर का सारे 10 बज रहा है, तो घर में सोच रही पहले से खोल कर फ्रेश कर लेती हूँ। इससे कोई भी जो दुकानदार में ग्राहक दुकान में जब ग्राहक आए तो लोड करना जाए, इससे मेरा ये जो है प्याज भी सफाई हो जाएगा, नंगा भी नहीं रहेगा। देखिए इस तरह का मेरे जो ये बोरा जो है 30 किलो का है, छोटा बोरा है, और ये मेरा मुझे पैकेज में पड़ा है 1900 रुपये बोरा। और हम इसका जो है मतलब बेचेंगे 30-32 इस टाइप से बेचते हैं किराना की दुकान में, और मार्केट में भी नाम इसका वही रहता है, मार्केट में रेट भी यही है। लेकिन इसमें खरा गला कच्चा और बहुत सारे टाइप के मिल जाते हैं। तो ये देखिए, तो मैं इसे प्याज को फ्रेश करूँगी, फ्रेश करने के बाद इसे हम किराना स्टोर का दुकान में रख देंगे। किराना स्टोर का दुकान जो है मैं देखती हूँ, छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ शॉर्ट वीडियो सब उसी में। ये देखिए ये सड़ा हुआ प्याज है, इसी तरह से हम सभी प्याज को हम साफ कर देंगे। यहाँ पर नहीं होगा, हम बाहर में लेके जाएंगे, वहाँ पर तब सफाई करेंगे। आगे मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। मैं आज के ब्लॉग में आपको ये जो है पापड़ है इसका पैकेट अलग से लेगा, ग्लोथिन जो खरीद के लाना पड़े, उसके बाद ये तिलोरी जो है आप भी अलग से खरीद के ला सकते हैं। फिर लाने के बाद इसको मतलब जो किलो में रुपये पीस करता है, इसके बाद ये जो है हमारे 45 रुपये किलो के आसपास में हमको पका जाता है। तो इसे हम मैं पैक करते 100 ग्राम के पैक करके
इसको मैं अपने दुकान में स्टोर करती हूँ, जिससे मेरे ग्राहक जो आते हैं उसे खुशी खरीद कर ले जाते हैं। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे आप लोग, इसलिए मैंने आज इन्हें चना का पैकिंग किया है, इसके बाद में तिलौरी का भी पैकिंग कर दी हूँ, जिससे मेरे ग्राहक आए और खुशी से लेकर बेचे। ये आप जो है अपने घर बैठे पैकिंग करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए इस तरह से मोमबत्ती में जला ली है, इसको हल्का इस पर देंगे तव पर, जिससे ये हमारा रेसा आ जाएगा। आप चाहे तो इसका मशीन भी ले सकते हैं रेसने वाला। देखिए एक तरह से रेसा आ गया है, हो चुका है। ये 225 होता है, 100 ग्राम वेट मात्र 100 ग्राम होता है 225। मार्केट में ही मिलता है ये, लेकिन हम घर पर पैक कर रहे हैं, जो मार्केट से खरीद लाए हैं सभी खुला पैकेट। आज उसको हम पैकिंग करें, पैकिंग करने के बाद ये 10 रुपीज़ को सी ग्राहक लेकर जाता है। देखिए शुरू हो गया हमारा, ये तिलौरी पैकेट कर दिया था। इसके बाद ये हमारा है चना का पैकेट, चना का पैकेट में से क्लियर कर रही हूँ। ये मैंने 100 रुपये का वेट करे, इसका 15-20 होगा और 100 ग्राम इसका वजन है। इस तरह से हम इसको पैक कर देंगे, इस तरह से रेस देंगे। हमारा ऐसा आ गया, ये देखिए हमारा हो गया 15 रुपये का पीस के हिसाब से, ये बिकेगा। इस तरह से हम सभी को रेस लेंगे। ये खुलेगा नहीं जब तक खोलेंगे, क्योंकि पूरा फिर पैकिंग से रेसा हुआ है। इसी तरह से हम सभी पैकेट को रख लेंगे। मैंने आपको पिछला ब्लॉग में आपको मैंने मोमबत्ती अगरबत्ती बत्ती और बनाने का ब्लॉग बनाया था, जिसमें से मैं उस खुद बनाकर खुद बेचती हूँ। अच्छा है दूसरा कोई ले जा सकता है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप चाहे दूसरे फ़ोन करके आप भी घर पर बैठे मंगवा सकते हैं। ये देखिए मेरा जैसा कि रेडी हो चुका है, मैंने 4 पैकिंग किए हैं छह पैकेट इसके, तो मेरा ये बन के रेडी। ये होगा मेरा 10 किलो रही का पैकेट, 10 रुपये 30 इसका है वेट, ये भी 100 ग्राम है। इसका जो है सो इसका माप भी 15 रुपये 15 रुपीज भी आप दे सकते हैं, पूरा भरा भरा हुआ है। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो आप ब्लॉग यूट्यूब। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।